नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। लव जिहाद को रोकने के लिए इन दिनों बीजेपी शासित राज्यों में कानून बनाने की होड़ लगी हुई है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यादेश लाकर कानून बनाने के मामले में बाजी मार ली है। हालांकि लव जिहाद को रोकने के लिए हरियाणा में भी कानून बनाने की बात चल रही है। कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद को रोकने के लिए नया कानून लागू होने वाला है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट मकसूद अहमद जी और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री बिपिन सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम आप दोनों से बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रस्तावित कानून है उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। मकसूद जी, आप सीनियर एडवोकेट भी हैं, आपने जो भी अभी तक जो प्रारूप सामने आया है सरकार का इस कानून का, उसको लेकर आपका क्या व्यू है एक एडवोकेट के नज़रिए पे? ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी अपना प्रस्ताव बनाया है जिसे मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं, उसमें उनका प्रस्ताव ये है कि इस कानून के तहत हम ऐसे व्यक्ति को दंडित करने का प्रयास करेंगे जो व्यक्ति धर्मांतरण जबरदस्ती कराता है, और धर्मांतरण करने के लिए कलेक्टर को इन्होंने जो है तो परमिट किया हुआ है कि एक माह का उसको नोटिस दिया जाएगा कलेक्टर के माध्यम से, और कलेक्टर जब उसकी अनुमति देगा तब वो धर्मांतरण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि किसी को धमका करके, डरा करके, प्रलोभन दे करके यदि धर्मांतरण करेगा, या कोई विवाह इस प्रकार से प्रलोभन दे करके यदि कोई व्यक्ति करता है और के अपना नाम बदल करके या उसको धोखे में रखते हुए, तो ऐसे विवाह को भी शून्य इस एक्ट के तहत घोषित करने की बात कही जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये एक्ट लेकर के आ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2000 के नाम से, या तो सेक्रेटेरिएट के लोगों ने, लाभ कमीशन वालों ने उनको बताया नहीं, या फिर उसको ओवरलुक करते हुए हम एक नई चीज़ का ईजाद कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। एक्चुअली सन 1968 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, धर्म की स्वतंत्रता का एक विधेयक पारित हुआ जो 1968 में हुआ है, और उसके रूल्स जो है तो 1969 में बने हैं। ये कांग्रेस सरकार के ही टाइम में बने हैं, और इसी शंका के लिए बनाया गया था कि बनाया गया है कि यदि इस प्रकार का कोई धर्मांतरण होता है तो उसके लिए पहले कलेक्टर से परमिशन लेना आवश्यक है, कलेक्टर को सूचना देना आवश्यक है। जब एक एक्ट 1968 में पहले से बना हुआ है तो उस एक्ट में अगर आपको उसकी सज़ा के प्रावधान या समयावधि में किसी प्रकार, इसलिए उसमें 7 दिन का वो पड़ा है, उसमें जो है तो 1 महीने की समय दिया हुआ है, तो आपको अगर लगता है कि ये 1 महीने रखना चाहता है तो उसी 1968 के एक्ट में आप अमेंडमेंट करके उसको जो है तो 7 दिन के बजाय 1 महीने भी रख सकते थे। तो ये नया जो करना, जैसे कि इस पुरानी बोतल में एक नया लेबल लगा दिया जाए, तो वो वाला काम कर रहे हैं। ये बिपिन जी, आप ये बताइए, जब सर पहले से ही कानून था तो ये नया कानून लाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, पहले से जो कानून था उस कानून के तहत जो वर्तमान की समस्या है वो नहीं रुक पा रही थी। क्या क्या समस्या है वर्तमान में? समस्या यही है कि जो बहला फुसला के और गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके और फिर विवाह के लिए ही मात्र धर्मांतरण कराना एक बड़ी समस्या है, तो ये उसमें संशोधन की आवश्यकता सरकार को महसूस हो रही है। इसलिए सरकार, और ये कोई नया काम नहीं कर रही कि कोई सरकार पहली बार ये काम कर रही है, पहले भी सरकारें जब आवश्यकता के आधार पर जब जरूरत पड़ी तो कानूनों में संशोधन किया, सुधार लाया, उसी क्रम में ये सरकार भी ला रही। और उसने कहीं, जैसे भाई साहब का कहना है, तो उसमें कहीं ये बात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है, सरकार को नाम तय करने का अधिकार है, तो उसने नाम तय किया, और इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है जो गैर कानूनी हो कि ये हिंदू धार्मिक स्वतंत्रता या मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता या ईसाई धार्मिक स्वतंत्रता, तो सिर्फ नाम से ही परहेज क्यों? कानून तो व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं। ये कानून प्रैक्टिकली कितना संभव है? आप प्रैक्टिकली कितना संभव है? लाइक दोस्त ने ना देखा होगा, मैं ये एक्ट है द एमपी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968, कैमरे की तरफ आप द एमपी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 ये एक्ट बना हुआ है, और इस एक्ट का ये रूल बना हुआ है
मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता रूल्स 1969, और इसमें कलेक्टर को पावर दिया हुआ है, यदि कोई धर्मांतरण करता है तो उस पर कलेक्टर को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कलेक्टर जो है तो उस पर उनके घर वालों को अधिसूचना जारी करेंगे, किसी को आपत्ति होगा तो आपत्ति पर सुनवाई करेगा, और आपत्ति पर सुनवाई करने के बाद जो एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करना होगा कि किसी प्रलोभन से दबाव में धमका करके नहीं किया जा रहा है, तो कलेक्टर अपना ऑर्डर पास करे। मेरा यही कहने का मतलब है, ये नया एक्ट जो लाने की बात कह करके वो जो तमगा लिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, ये तमगा नहीं लेना चाहिए। ये समाज को सुधार के लिए यदि कोई व्यक्ति है, कोई कार्य हो रहा है तो उसको उस इस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन ढिंढोरा पीट करके अपने ऊपर जो अपना सेहरा लगाना ये अच्छा नहीं है। जहाँ तक कानून की बात है, मैं ये बताऊँ कि मेरे लायक साथी विपिन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें जो विवाह हो रहा है उस विवाह को भी जो है तो गैरकानूनी माना जाएगा। मैं ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अनेकों फैसले आए हैं इस बात के लिए कि यदि विवाह किसी धर्म धर्म का परिवर्तन विवाह के उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति करता है तो विवाह अपने आप में शून्य होता है। कानून के मुताबिक जो कॉन्टेक्ट होता है उसमें अगर कोई चीज़ होती है तो एक शून्य होता है, एक शून्यकर्णी होता है, वाइड और वाइडेबल होता है। तो जो वाइडेबल होता है, शून्यकर्णी होता है, उसको शून्य कराने के लिए अदालत में जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ शून्य होती है तो उसको कहीं पर घोषित कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है। नंबर दूसरा ये कि कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू रिलीजियस हो और चाहे मुस्लिम रिलीजियस हो, हिंदू मजहब में वही व्यक्ति विवाह कर सकता है जो हिंदू होगा, एवन कि उसमें तो गोत्र के आधार पर ही विवाह एक दूसरे को देख करके किया जाता है, इतनी शक्ति है। मुस्लिम में भी अगर कोई मुस्लिम अगर विवाह करता है तो उस मुस्लिम को दूसरा को भी मुस्लिम होना आवश्यक है, तो मुस्लिम ही मुस्लिम से कर सकता है, ना तो हिंदू मुस्लिम से कर सकता है ना मुस्लिम हिंदू से कर सकता है, वो अपने आप में शून्य होगा। अगर ऐसा किया गया है तो धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम में रखा हुआ है, जिसके तहत जो धारा 11 के मुताबिक जो है तो अपने आप में शून्य होता है। तो ऐसे विवाह को जिसे कानून ही शून्य अपने आप कहता है उसके लिए अलग से कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, संशोधन की आवश्यकता तब पड़ती है जब पहले के जो कानून है उसमें समस्या का निदान नहीं हो पा रहा हो, कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही हो। इस देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। जमीन के कई कानून आए, फिर धर्मांतरण के कई कानून आए, फिर लब जिहाद का कानून आए। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि जब कोई बात बड़ी समस्या के रूप में प्रसारित होने लगती है या विकसित होने लगती है, समस्या का स्वरूप बड़ा हो जाता है, तब सरकारों को कानून में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए अपने स्टेट पे कानून ला रही है। इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए कि किसी बड़ी समस्या का समाधान सरकार के कानून लाने से यदि होगी तो हम उस कानून को मान करके ही अपनी सामाजिक व्यवस्था को ठीक कर लेंगे। ये लव जिहाद शब्द ईजाद कहाँ से हुआ ये बताइए। देखिए, लव जिहाद जो है पहली बार जब हम लोग टीवी डिबेट और चैनलों के माध्यम से सुने तो लव जिहाद का शब्द जो है केरल की कोर्ट से, वहाँ किसी संगठन किसी सरकार के द्वारा नहीं, जिस सरकार पर ब्लेम लग रहा है वो उस विचारधारा से विपरीत मुख्यमंत्री थे वहाँ पर, तो वहाँ पर ही केरल की कोर्ट में ये शब्द आया कि केरल में एक चर्च ने याचिका लगाई कि केरल में जो है लव जिहाद तेजी से फैल रहा है। और अभी हमारे साथी एडवोकेट जी ने कहा कि जिहाद को एक धर्म से जोड़ा जा रहा है, तो जिहाद कोई नया शब्द नहीं है, वो तो पहले से कई मामलों में जिहाद चल रहा है, और देश ही नहीं दुनिया के लोग ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिहाद है, उसका स्वरूप अलग अलग है। अभी जो ये बात चल रही है वो जिहाद के दूसरे स्वरूप यानी लव जिहाद के रूप में जो समस्या है उसकी चल रही है। नहीं, अभी आपने भी कहा था कि ये गैर मुस्लिम उसमें धर्मांतरण होता है, क्या मुस्लिम समुदाय में धर्मांतरण नहीं होता है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप किसी धर्म का नाम कैसे ले सकते हैं। नहीं, धर्म का नाम इसलिए ले रहे हैं कि कोई एक विषय बताएं जो उसमें ऐसा टीवी डिबेट या कोर्ट में ऐसा गया हो कि जिसमें जो है गैर मुस्लिम लड़की को ही, वो गैर मुस्लिम लड़की को ही फंसाते हैं, और 14 साल से 20 साल की उम्र की लड़कियां होती हैं एक चिन्हित उम्र की, और उसमें जो है अपनी एजेंटी आईडी छिपा करके, अपनी पहचान छिपा करके, प्रलोभन देके, धमका के, डरा के, तमाम प्रकार के प्रयोगों का प्रयोग करके गैर मुस्लिम लड़कियों को ही फंसाते हैं और फिर उनका जो है विवाह के नाम पर धर्मांतरण करते हैं। मकसूद अहमद जी, आप बताइए, क्या मुस्लिम समुदाय में धर्मांतरण नहीं होता है? देखिए, धर्मांतरण हर समाज से हर समाज में होता रहा है। बहुत सी मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू समाज में गई हैं
और बहुत सी हिंदू लड़कियां भी मुस्लिम समाज में आई हैं। अब ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी में न गई हों या बौद्ध वगैरह में न गई हों। सबसे पहले तो हिंदू धर्म क्या है, हिंदू किसे कहते हैं, इसको वही समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति वैदिक रीत पर विश्वास करता है वो हिंदू है, और वैदिक रीत पर विश्वास न करने वाला व्यक्ति वो हिंदू की परिभाषा में नहीं आता है, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, उनकी यहाँ परंपराएं होती हैं। तो इस तरह से किसी धर्म से जोड़ करके नहीं, बल्कि एक रिलीजियस से दूसरे रिलीजियस में यदि कोई विवाह करता है तो वो धर्मांतरण कहलाता है। उस धर्मांतरण के संबंध में यदि किसी धर्म के लोगों को इस बात का शक है या उस बात की ऐसी वो है कि हमारा धर्म कम हो जा रहा है या ज़बरदस्ती उनके साथ किया जाता है, तो वो अपने धर्म भर के नहीं बल्कि किसी भी धर्म की कोई भी नाबालिग बच्चियाँ हों या कोई भी व्यक्ति हो उसको जो है, तो अगर ऐसे प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए कानून में व्यवस्था है, और अगर बना रहे तो कोई हर्ज भी नहीं। मतलब मैं तो ये भी कहता हूं लव जिहाद को, ये लव जिहाद, ये बताइए। देखिए लव माने तो प्यार होता है, सब जानते हैं। जिहाद का मतलब होता है समर्पण। जिहाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी तरह, समर्पण का मतलब ये होता है कि आप किसी पैसे वाले हैं तो किसी कार्य को करना है तो आपने पैसे से भी अगर उसकी मदद किया है, किसी की, किसी गरीब की मदद किया है, बढ़ करके किया है, तो वो एक बढ़ के कार्य करने को जो है तो जिहाद कहा जाता है। आप अगर दानिश्वर हैं, आप अपना बौद्धिक आपका स्तर है, आप अपनी कलम से किस लिख करके कोई चीज़ को आप प्रेरित करते हैं किसी को, तो ये भी एक जिहाद है, किसी चीज़ के लिए अच्छे काम के लिए आगे बढ़ाना। अब उसको किसी एक रिलीजियस ने उस भाषा को, उस शब्द को इस्तेमाल करके अपने कार्य को बढ़ाने का काम किया और उस शब्द को लेकर के दूसरे लोगों के द्वारा ऐसा प्रसारित किया गया कि ये जिहाद का मतलब ये है कि सिर्फ एक फतवा टाइप का जारी किया जा रहा है, तो ये फतवा जो जारी करने वाला जो भ्रम है लोगों का, ये दूर होना चाहिए। आप आज इंटरनेट, इसका गूगल का युग है, आप उठा करके डालिए जिहाद के माने क्या होते हैं, वो अपने आप लिख करके चला आ जाएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और इसका जो ग्रामेटिकल जो शब्द अर्थ है वो क्या होगा। तो जिहाद शब्द को लगा करके ये ऐसा लगता है कि वो किसी एक धर्म विशेष से चिपकाने का प्रयास किया जाता है, जबकि संविधान नहीं वो कर रहा है। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी उस शब्द को ले करके जो है तो किसी प्रकार की हिम्मत नहीं कर रही इस एक्ट को बनाने की। केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही ये कानून क्यों लाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश में जो कानून लाया जा रहा है उसका नाम दिया गया है धर्म स्वतंत्र विधेयक है ना? ये केवल बीजेपी राज्यों में ही क्यों महसूस किया जा रहा है? जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्यों ऐसा कानून नहीं लाया जा रहा? देखिए पहली बात तो ये है कि ये बीजेपी शासित राज्यों बस में नहीं लाया जा रहा। नहीं अभी तो, अभी तो यूपी में, अभी एमपी में, हरियाणा में नहीं, देश अभी उसमें संशोधन किया जा रहा है। देश के 8 राज्यों में लव जिहाद और धर्मांतरण के विषय में पहले से कानून है। अभी साथी एडवोकेट जी ने भी बताया, मेरी जानकारी में भी है कि मध्य प्रदेश में भी 1967 में कानून है, तो लाने की तो कोई बात नहीं हो रही, बात संशोधन की है। नहीं नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरकार तो अभी प्रस्ताव लेके आ रही है कैबिनेट में, और ये बिल्कुल नया कानून है। मेरा कहने का मतलब यह है कि संशोधन करके नया कानून ला रहा, चूंकि पुरानी बात पे, पुरानी पुराने कानून से समस्या का निदान नहीं हो जा रहा, लाइन आर्डर के सिचुएशन निर्मित हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है। कहाँ बिगड़ रही है? आप मध्य प्रदेश में बताइए, आप लव जिहाद कहाँ है? देखिए क्या लव जिहाद, अभी सतना में भी बीते, अभी जो है ये कोई ये नहीं, नहीं, आप सतना से हैं, आप बताइए सतना में कितने केस हुए लव जिहाद? मैं 2010 से अभी तक की बात करूं, जब से मैं संगठन में काम करना चालू किया, तो मैं दावे से कह सकता हूं ऐसे 30 मामले तो हम लोगों की जानकारी में आए जो लव जिहाद से जुड़े थे। अब चूंकि ऐसा सरकार ने कोई कानून पहले से रखा नहीं है कि वो उसकी कानून जिसमें मामला दर्ज हो वो लव जिहाद की संज्ञा में चला जाए, मामला दर्ज हुआ तो 76 का दर्ज होगा, तो फ्लाड का दर्ज होगा, तो बलात्कार का दर्ज हो जाएगा, लेकिन वो लव जिहाद है ये दर्ज नहीं होगा। इसीलिए तो सरकार कानून ला रही कि पता तो चले लोगों को। आप भी अधिवक्ता हैं, आप बताइए कितने केस सतना में आ चुके हैं लव जिहाद को लेकर और धर्मांतरण को लेकर? मेरे ख्याल से हमारे नज़र में अभी से नहीं, वो कहते हैं ना कि गुनाहगार मोहब्बत सही मगर यारो, और गुनाह फितरत आदम है क्या किया जाए, तो ये सृष्टि की रचना ही हुई है, तो उसमें ये नहीं देखा गया है कि कब कहाँ कब कहाँ पर कैसे किससे दिल मिल जाए किससे नहीं। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जो है तो वो टूटे हैं, उनकी तपस्याएँ टूटी हैं, तो इसको किसी को रोक भी नहीं सकते हम।
और ना कोई कानून रोक सकता है। अगर कोई इस पे जाएगा तो बहुत रोका जाता है, तो घर से बगावत करके लोग जाते हैं अपने अपने धर्म। हम तो कहते हैं इस एक्ट के बन जाने से किसी भी हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म के मुखिया को एक बहुत बड़ी ढाल मिल जाएगी अपने परिवार के लड़के बच्चों को संभालने के लिए। और ये कहा जाएगा अगर तुम करोगे ऐसा तो हम तुम भोगना, हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि इस भय से वो बच्चे या वो बच्चियाँ जो कि उस घट इस उसमें जाना चाहते हों तो वो रुकेंगे। तो मेरा ये मतलब है, लेकिन ये चीज़ जो है जितनी भी चीज़ें आज बताई जा रही है ये सब कानून में व्यवस्था पहले से है, लेकिन उसको जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है वो वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं और समाज के लिए सही नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये कानून आ जाने के बाद दो प्यार करने वालों के बीच में कोई बाधा भी हो सकती है? चूँकि दो वयस्क लोग, पढ़े लिखे लोग जो नौकरी दोनों कर रहे हों और शादी करना चाहते हों, परिवार के लोग इंटरफेयर कर रहे हों, तो चूंकि ये जो कलेक्टर को एक महीने पहले नोटिस देना है तो उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, जिसको जिसने निर्णय लिया है अगर लेता है तो वो बड़े वो सब कुछ अपने मतलब धर्म को, समाज को, परिवार को, उनको कोई मतलब नहीं रहता ऐसे मानसिकता के लोगों को कि उनको अपने घर से या परिवार से कोई मोह रहे। जब कानून से कोई मोह नहीं रहता है तो आप बंद भी करवा दोगे, कुछ भी कर दोगे, क्या है? बहुत ज़्यादा पीछे पड़ेंगे, मालूम है किसी की कोई रेलवे लाइन में किसी की पड़ी हुई मिली है या किसी पेड़ में लटकी हुई मिली है। अगर इसलिए कि तो मानसिक क्रूरता तक पहुंच जाते हैं इस प्रकार के भी लोग होते हैं। तो कानून को तो इतना लचीला होना चाहिए कि परिस्थितियों के मुताबिक उसमें सख्ती भी हो और नरमी भी हो। समाज में सुधारक व्यवस्था होनी चाहिए, जिद की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जिद करके जो है तो जिस प्रकार से कानून बनाया जा रहा है वो जो है तो समाज के लिए उचित नहीं है। लोकसभा में भी ये बिल लाया जा सकता है, जो देश भर में इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, लोकसभा में सरकार क्यों नहीं लेके आ रही ये बिल? देखिए, जहाँ समस्या ज़्यादा है, जो सरकारें गंभीर हैं, अपनी जिम्मेवारी समझती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है कि वो कानून ला सकती हैं। तो यदि वो अपनी जिम्मेवारी समझ के सरकारें कानून ला रही हैं, प्रॉपर तरीके से ला रही हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या दिक्कत होनी चाहिए? सरकार को अधिकार है कानून लाने का, तभी तो ला रही है। ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र में भी लाएंगे। आपका क्या राय है इसको, क्या लोकसभा में लाना चाहिए ये बिल? देखिए, आर्टिकल 25-26 और रिलीजियस से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखते हुए मेरे ख्याल से, जैसा कि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो विवाह के संबंध में अभी एक निर्णय दिया था कि जिसमें कि धर्म विवाह करने की लालच से धर्म परिवर्तन करने वाले विवाद को जो है तो शून्य घोषित किया गया था, और उसके बाद ही जो है तो दूसरा जजमेंट तीसरे दिन आ गया और जिस पे जो है तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहते हुए उसको जो है उसी हाईकोर्ट ने बदल भी दिया। तो ये चूँकि कानूनी ऐसी उसमें अड़चने हैं और जिसका प्रभाव जो है तो संविधान की तरफ से एक बहुत बड़ी बाढ़ लग रही है इस मानसिकता को, कानून लाने की मानसिकता को, तो इस कारण से मेरे ख्याल से केंद्र सरकार जो है तो उसको नहीं लाने की हिम्मत कर पा रही है। नहीं तो स्वतंत्रता है इसलिए कि वहाँ बहुमत है, वो अपना पास कर लें, वो पास कर लेंगे पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाएगा। वो किसी एक धर्म के लिए तो है नहीं, वो सभी के लिए है, तो उसमें क्या है, उनको वहाँ ले आना चाहिए, ले जाना। तो आप चूँकि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस पार्टी क्या इस कानून का स्वागत करती है? कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी या ना कहेगी ये तो दिल्ली में बैठकर या मध्य प्रदेश हमारा कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन इसको निर्धारित करेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक वो है विचार है, इस कानून का लाने का कोई औचित्य नहीं है। कोई औचित्य नहीं है? आप बताइए कि इस कानून को लाने का औचित्य क्यों है? अभी आपने ही कहा कि एक बड़ी व्यवस्था और उस विवाह करने वाले परिवार को भी एक वो मौका मिलेगा कि वो अपने परिवार को संभाल सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं। और हर माँ बाप को वो अधिकार है कि जिस बच्ची को तैयार करें, वो बच्ची का भविष्य आगे कहाँ होगा, अपने विवेक से माँ बाप भी प्रयास करते हैं कि हमारी बच्ची अच्छी जगह पे जाए और हम उसकी धूमधाम से अपनी परंपराओं अनुसार विवाह करें। तो जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं साथी वकील साहब कि जो है इससे परिवार को मौका मिलेगा, तो पहले 7 दिन का था कलेक्टर को नोटिस करने का, अब 1 महीने का मिल गया, तो समय अंतराल बढ़ा है, व्यवस्था थोड़ी ठीक हो रही है। तो मैं तो विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के नाते ऐसे कानून का स्वागत करता हूँ जिसमें सामाजिक ताना बाना बना रहे और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। आपको क्या लगता है कि इस कानून का क्या दुरुपयोग होगा आगामी दिनों में?
इसमें जो कानून में प्रावधान रखा गया है और जिस तरह से इसको प्रचारित, एक बार प्रावधान भी आप जनता को बता दीजिए कि क्या रखा गया है, चूंकि आप एडवोकेट हैं। इस कानून में जो है 10 साल तक के दंड की व्यवस्था की गई है और इसको जो है तो इसमें जो विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति हैं उनको भी जो है तो अपराधियों की श्रेणी में माना जाएगा और जो उसको सहयोग करेगा वो भी जो है तो उसमें उसी प्रकार से अपराधी होगा जैसा कि उन दो कपिल ने अपना कृत्य किया उसी के प्रकार से। तो इस तरह से ये जो कानून बनाया जा रहा है उसमें जो है तो उन दो लोगों की मतलब अपनी भावनाओं के तहत या जिद के तहत या अपनी मनमाने के कार्य करने के कारण जो है पूरे परिवार को और उस व्यक्ति को जो हमारे धार्मिक गुरु हैं चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हों, इसलिए कि उनके पास जैसे हमारे आर समाज में कोई आदमी जाएगा वहाँ पर वो कहेगा कि मैं जो तो आर समाज का अपना सदस्य बनना चाहता हूँ, मुझे आप एफिडेविट दे दीजिए ले लीजिए और मुझको मेरा विवाह करा दीजिए। वहाँ पर मुझसे एफिडेविट लिया जाएगा और लेने के बाद जो है उनको जो है तो आर समाज में शामिल करना मान करके और उनका जो है तो विवाह कर दिया जाएगा। अब वो लोग जो विवाह करेंगे उसको भी कानूनी मान्यता अभी तक दी हुई है, लेकिन चूँकि दो धर्म के लोग हैं चाहे वो उसमें हिंदू लड़का हो और मुस्लिम लड़की हो और वो लोग अगर दो रिलीजियस के हैं तो उसमें उनको भी जो है तो कलेक्टर के पास पहले जाना पड़ेगा। और अगर हमारे ये धर्मगुरु जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं कानून के मामले में, उनको उन्होंने अगर किसी के अनजाने में कोई कर दिया तो वो भी सजा के लिए भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए उनको। तो ये सब जो विसंगतियाँ आएंगी, इसलिए कि हमारा देश जो है वो विभिन्न भाषाओं से विभिन्न संस्कृति से विभिन्न धर्मों से इस प्रकार का गुलदस्ता है कि वो अपने अपने धर्म को उस हिसाब से चलना चाहते हैं, वो संविधान के उसके कानून के जो उतार चढ़ाव उसको वो समझ नहीं पाते हैं। तो नासमझी में भी अगर उनसे किसी प्रकार की कोई ऐसा काम हो गया तो उनको जो उस दंड से भुगतना पड़ेगा। तो ये सब जो विसंगतियाँ होंगी उससे एक समाज में आक्रोश पैदा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि लड़के लड़की आपस में अपना कर लेंगे, उसके माँ बाप को ये अधिकार दे दिया गया किसी एक को कि मेरे लड़के और लड़की को अगर उसने किया तो कोई भी परिवार का सदस्य जाकर के अपना रिपोर्ट करता है। अभी जो है तो किसी भी नाबालिग को अगर वो अगवा कर लिया जाता है या किसी भी लड़की को अगर कोई अगवा करके या किसी तरह से लापूसिया के ले जाता है तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद जो है तो जब वो लड़की आती है और वो बालिग है और वो ये बताती है अगर कि मुझे जो है तो मैं अपनी स्वेच्छा से गई हूँ, या अगर वो बताती है कि मुझे लापूसिया करके या मुझे जो है धमकी देकर के या प्रलोभन देकर करा गया है, तो फिर वो अपराध जो है तो 363 366 का कायम किया जाता है। अब उसके माता पिता भी अगर जाके रिपोर्ट कर देंगे तो पहले केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये जो बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए और पूरा का पूरा जो एक जवानी की दहलीज में कदम रखते ही और इस प्रकार से अगर किसी को प्रताड़ित किया तो इतना लंबा उसका जीवन होता है, वो पूरा का पूरा दोनों जो कपिल जो उनकी उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका किस प्रकार से समाज में पड़ेगा। आपने देखा कि मकसूद भाई बोल रहे हैं मकसूद जी बोल रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होगा, तो ये दुरुपयोग को कैसे रोकेगी आपकी सरकार? कोई दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें जो है पहले भी बहुत सारे कानून इस देश में हैं जिनका लोग दुरुपयोग करने वाले लोग दुरुपयोग भी करते हैं, तो इसके डर से कानून का दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा ये तो करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। क्या इस डर से सरकारें कानून बनाना छोड़ देंगी कि कानून का दुरुपयोग होगा? तो मेरा कहना ये है कि कोई भी सरकारें कानून आवश्यकता के आधार पर बनाती हैं, ज़रूरत के आधार पर बनाती हैं, और अब ये ज़रूरत सरकारों ने महसूस किया है कि यदि लव जिहाद रोकना है जो पूरे देश में व्यापक तरीके से फैल रहा है तो कानून बनाती हैं, कानून का स्वागत है। स्पेशल मैरिज एक्ट भी है हमारे देश में, कहीं ये उसको वायलेंट तो नहीं कर देगा? देखिए कोई मैरिज एक्ट नहीं है, पहले भी शादी करने के हिंदुओं में भी खुद कई तरीके हैं, कोई कोर्ट मैरिज करता है, कोई अरेंज मैरिज करता है, कोई जैसे साथी निकाह लव मैरिज करता है, लेकिन सभी को मान्यता तब मिलती है जब वो नगर निगम या ग्राम पंचायत जो भी व्यवस्था है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें भी तो वही है, कलेक्टर के यहाँ आप करो, एक महीने में परमिशन ले लो, आपको कलेक्टर ने परमिशन दे दिया, आपकी शादी वैध हो गई। आपकी क्या राय है स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर? देखिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर प्रत्येक धर्म के मानने वाले अगर अपना विवाह करते तो उनका 30 दिन के अंदर पंजीकृत होना आवश्यक है। दूसरी चीज़, यदि कोई व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज करना चाहता है तो उसके लिए जो है तो कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर को पावर दिया गया है जहाँ जैसी व्यवस्था होती है, और उनके आवेदन पत्र देने पर जो प्रक्रिया होती है उसको किया जाता है। इस तरह के उस पर जो है तो अवश्य ही जो सेंट्रल एक्ट है
स्पेशल मैरिज एक्ट, उस पर भी असर पड़ेगा। यही बात कहता हूँ मैं कि किसी भी एक्ट को बनाने से पहले अन्य जो एक्ट हैं इससे मिलते जुलते उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा इस पर भी विचार करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस पर अनदेखी की जा रही जल्दबाजी में। आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद है, आपकी सरकार जो कानून लेके आ रही है उसमें उसने धर्म स्वतंत्र विधेयक क्यों रखा, क्यों उन्होंने नहीं जोड़ा लव जिहाद का नाम? ये नाम तय करने का अधिकार जो सरकार की लीगल कमेटी होती है, कानून के जानकार होते हैं, उनके सलाह पर सरकारें नाम तय करती हैं। उन्होंने ये नाम क्यों तय किया ये तो वही बता पाएंगे हमसे बेहतर। बीजेपी डरती है क्या कि मतलब कि मैं लव जिहाद, हर जगह बात होती है लव जिहाद की, स्पीच पे लव जिहाद आता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट पे आया है उस पे लव जिहाद का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, क्या डरती है क्या बीजेपी खुलकर बोलने में? इसमें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कि वो शब्दकोश ही कोर्ट से आया तो इसमें सरकारों को डरने की क्या आवश्यकता है? सरकार तो उसकी बात को एक्सेप्ट कर रही हैं, वो भी कोर्ट के डायरेक्शन पे। सरकार ने एनआईए को जांच दिया, सरकार ने उसके उसमें सब शब्द तय किया कि जिहाद हो रहा है और एक याचिका पे तय हुआ, तो सरकारों का तो मेरी समझ से डरने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, और सरकारें डरेंगी भी क्यों? आपको क्या लगता है क्या किसी एक धर्म को टारगेट करता हुआ ये कानून है? देखिए टारगेट जब कानून आ जाएगा तो उसको पढ़ के मालूम हो जाएगा कि उसकी आत्मा में क्या क्या चीज़ें उन्होंने छुपा के रखा है, लेकिन अभी जो टाइटल सामने आ रहा है उसको देखने से ये लगता है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि लव शब्द या जिहाद शब्द लगा करके वो कानून का नाम बना दें। क्यों डरते हैं ये लोग? अब ये तो वही बता सकते हैं, इसलिए कि जब संविधान की हमारी बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं सर प्रत्येक नागरिक पे, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी पे, उन बेड़ियों से को उखाड़ने की हिम्मत किसी भी पार्टी की या किसी भी सरकार की नहीं है। जब भी कोई एक धर्म का लड़का या दूसरे धर्म की लड़की को लेके कहीं भाग जाता है या शादी करता है तो अक्सर बीजेपी की ओर से सुनने को मिलता है कि वहाँ लव जिहाद का मामला आया, लेकिन अब जब कानून बनाने की बात आई तो डॉक्यूमेंट में कहीं भी लव जिहाद नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट में मैंने कहा ना कि डॉक्यूमेंट में नाम तय करने का अधिकार सरकार की सरकारी कानूनी एडवाइजरी को है, वो जो एडवाइजर हैं उनके सरकार के वो तय करेंगे कि क्या नाम होना चाहिए, और इसलिए उनके आधार पर उनके सुझाव पर, चूँकि जैसा कहा कि संविधान में सब व्यवस्था हैं तो देश तो संविधान से चलता है और उसमें जब संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन होता है, तो जो सरकार को नाम सुझाया होगा कानून के जानकार लोगों ने उसी आधार पर नाम तय हो रहा है। युवाओं की स्वतंत्रता का हनन तो नहीं होगा कहीं? ये प्रेमी जोड़ों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, इसमें स्वतंत्रता तो बाधित की ही जाएगी। अब वो व्यक्ति जिसके ऊपर जो इस कृत्य को करेगा या जिसको जिसके लिए अड़ंगा आएगा वो इसको बता सकता है, लेकिन जहाँ तक आपने जैसा बताया कि जिहाद शब्द और लव शब्द को के जैसा चाहे वैसा कर लें, ऐसा नहीं है। कथनी में और करनी में बड़ा अंतर होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की और उसके अनुशासनिक संगठनों की हमेशा से रीत रही है। तो बोलेंगे कुछ और अमल में कुछ लेकर के आएंगे, इसी तरह से इस कानून में है कि अमल में जो है तो कुछ और आ रहा है और बोलने में लोगों को दिखावे में कुछ और बात कह रहे हैं। चलिए बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद अहमद जी, विपिन जी, आप दोनों ने एमपी वॉच के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए अभी इतना ही, हम आपको लव जिहाद को लेकर अगले भाग में ये बताएंगे कि सतना के युवा लव जिहाद को लेकर क्या सोचते हैं। आप यदि हमें YouTube पर देख रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और यदि आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर देख रहे हों तो हमें लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।